Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए द्वितीय चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। अभी हम मौजूद हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के उनियारा कस्बे के अंदर, जहां आज पीएम मोदी एक चुनावी सभा करने के लिए, जिसे विजय शंखनाद कहा गया है, वो यहां पर आ रहे हैं। मिले कार्यक्रम के अनुसार वो 10:30 से 11:30 बजे तक यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद उनका यहाँ से प्रस्थान होगा। आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ खड़े हैं मेन पंडाल के अंदर, जहाँ की पीएम मोदी का विजय शंखनाद रैली होने वाली है। पीछे मंच सजाया गया है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं। यदि बीजेपी के लोगों की माने जो उन्होंने कहा है, तो लगभग 62,000 कुर्सियाँ उन्होंने यहाँ पर लगाई हैं। ये उम्मीद है कि इतने लोग यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी का अपना क्रेज़ है, जब भी वो आते हैं तो काफ़ी लोगों की भीड़ उनको सुनने, उनको देखने के लिए आती है। और अब जब ये पहला चरण निमट चुका है, दूसरा चरण होना है, तो आज यहाँ कई लोग पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएँ मौजूद हैं जो कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में टाइम से पहले आ गई हैं, काफ़ी पहले आके जम गई, क्योंकि उनको इंतज़ार है कि आज मोदी जी यहाँ से क्या बोलते हैं विजय शंकराचार्य रैली के अंदर। हम उनसे बात करेंगे, देखिए किस तरह का आज उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर, पीएम मोदी जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी आपकी उसके लिए खास तौर? हमारे यहाँ बहुत अच्छी तैयारी है, मोदी जी आ रहे हैं तो बहुत इतना उत्साह हो रहा है कि अपने लोगों के जो वो सब ये सोच रही है। देखिए उत्साह क्यों है, आखिर क्या क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए चुनाव है, मोदी जी कई विषय दे चुके हैं, इंडिया गठबंधन भी है कई है। अब जो बात है कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, तो मोदी जी की गारंटी पे वोट करेंगे या कुछ और सोच के आए यहाँ पर? नहीं, मोदी जी की गारंटी पे वोट करेंगे, पर अब और उम्मीद है मोदी जी से कि और अच्छा होगा। अगर दो बार हमारी मोदी सरकार आई है, तीसरी बार आने वाली है, तो उसके लिए हमें ये है कि और ज़्यादा डेवलप होने वाला है इंडिया, तो हम तो मोदी जी को वोट करेंगे। देखिए आपके राम मंदिर का विषय भी था, महिलाएं खास तौर से धार्मिक होती हैं, जुड़ी रहती हैं, तो इस बार आप कैंडिडेट को देख के वोट करने वाले हैं या जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उनको देख के वोट करने वाले हैं, पीएम मोदी के फेस को देख के वोट करने वाले हैं या लोकल कैंडिडेट को देख के? नहीं, हम पीएम मोदी को देख के वोट करेंगे, और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा है, और 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और उनियारा में आज पहली बार मोदी जी आ रहे हैं, तो ये बहुत उत्साह हो रहा है। उनियारा में पहली बार मोदी जी पधार रहे हैं, तो बहुत उत्साह हो रहा है सभी महिलाओं को, सभी पब्लिक को। देखिए ये आप पहला अवसर है जब आज़ादी के बाद पीएम जो है, कोई पीएम उनियारा के अंदर आ रहे हैं, तो किस तरह उनका इंतजार कर रहे हैं, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं इस चुनाव को लेके, क्या सोच रहे हैं, क्या आप क्या चाहते हैं कि वो आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करें नया जिसको लेके आप वोट करें? वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बहुत ऊंचा तक पहुंचाया है, और बहुत हम खुश हैं, पूरा समाज, पूरा उनियारा आज बहुत खुश है। इतनी छोटी सी जगह में पीएम आ रहा है, पहली बार ऐसी छोटी सी जगह में पीएम पधार रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है। क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? इनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को ये आगे बढ़ाएँ, देश के रोजगारों को आगे बढ़ाएँ, इंडिया के सब विकास कार्य हो रहे हैं वो अच्छे से हों, और बच्चे अच्छे से प्रोग्रेस करें, अच्छे से रोजगार मिले बच्चों को इंडिया में ही। देखिए आप काफ़ी टाइम से पहले आ गए हैं और यहाँ जम गए हैं, और बहुत बड़ा पंडाल है, 62,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है, क्या लग रहा है मोदी जी को लेकर, किस तरह का जोश है यहाँ पर? मोदी जी को लेके हमारे बहुत उत्साह है, सब महिलाओं में, सब बच्चों में मोदी जी के लिए बहुत उत्साह है हमारे मन में। मोदी जी ने महिलाओं के लिए कुछ काफ़ी अच्छा किया है, मोदी जी आगे भी हमारे, तीसरी बार मोदी जी का ही हमारे मोदी जी और मोदी जी की सरकार बने। मोदी जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण का, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मोदी जी ने बहुत कुछ काफ़ी महिलाओं के लिए किया है, और हमको आज मोदी जी से उम्मीद है कि मोदी जी यहाँ आएंगे और आगे कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा करेंगे मोदी जी। और उन्होंने 500 साल राम जी टेंट में बैठे हुए थे, 500 वर्ष पहले टेंट में बैठे हुए थे, उनको एक मंदिर भव्य मंदिर बना के उन्होंने वहाँ उनको विराजमान किया, उसके लिए विश्व में सभी लोग उनसे बहुत खुश है, बहुत आनंद में है, और रामलला को लाए हैं हम, उन्हीं को और आगे लाएंगे, और उन्हीं की सरकार के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं मोदी जी आगे से आगे हमारे लिए और कुछ अच्छा करें, इसके लिए हमारे बहुत उत्साह है सब। देखिए टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ लगभग 2,10,009 मतदाता जुड़े हैं 2019 से लेके 2024 के बीच। हमारे साथ एक नव मतदाता भी हैं, बेटे आप युवा मतदाता हैं, क्या सोच के मोदी जी सभा में आए आगे? मैं युवा मतदाता हूँ, मैं 18 प्लस हो चुकी हूँ, और मैं इस बार मोदी जी को ही वोट दूंगी, मोदी जी इस बार 400 पार ही होंगे। आखिर क्यों?
क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, राम मंदिर बनवाया है और युवाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। आज हमारे उनियारा में आ रहे हैं मोदी जी, हम बहुत खुश हैं। देखिए आपके टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र का जो मुकाबला है वो बहुत कांटे का माना जा रहा है, क्योंकि हरीश मीणा खुद बामनवास के रहने वाले हैं, जोनापुरिया जी यहाँ के 10 साल से MP हैं, तो आखिर किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या राष्ट्रीय मुद्दे हों, क्या स्थानीय मुद्दे हों, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, क्या 400 पार होगा, क्या हैट्रिक होगी? हैट्रिक होगी 400 पार नहीं, अगली इस बार 400 पार होगा और हम चाहते हैं मोदी जी अगली बार भी आए पूरा 500 पार रहे और भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ BJP और कमल का फूल ही खिलना चाहिए, कांग्रेस का पत्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए कांग्रेस, हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी चाहिए, हर हर मोदी घर घर मोदी, इस बार 400 पार। देखिए आखिर कांग्रेस को इतना पीछे क्यों धकेल दिया गया, लगता है क्या काम BJP सरकार में बहुत हो रहा है? क्योंकि BJP में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और जो भी गारंटी दे रहा है वो पूरी करा है मोदी जी, और हमारे लिए मोदी जी ही है, हमारे उनियारा में आ रहे हैं मोदी जी ही है। देखिए आप ये देख सकते हैं कि ये थी महिला मतदाता जो कि यहाँ पर मोदी जी को देखने और सुनने के लिए आई हैं, और सब में एक ही बात है कि एक तो उन्होंने राम मंदिर बनाया है, खास वो चाहते हैं कि कांग्रेस ने उनके लिए कुछ भी ऐसा खास नहीं किया है कि वो उसकी तरफ आकर्षित हों। फिलहाल यहाँ पंडाल के अंदर आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ सज गई हैं, लोगों का आना शुरू हो गया है, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है, हम कहें तो 3-4 टायर सिस्टम है, उस चेक के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, हर जगह उनको चेक किया जा रहा है और लोग कड़ी चेकिंग के बाद ही भीतर आ पा रहे हैं। मोदी जी का जिस तरह कार्यक्रम बता रहे हैं कि वो जयपुर एलिपेड से यहाँ पर उनियारा के लिए बिल्कुल जो डोम है उसके पास पंडाल बनाया गया है विजय शंकरनाथ रैली के लिए, वहाँ उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके बाद वो यहाँ आएंगे औपचारिक स्वागत, उसके बाद यहाँ लगभग वो 11:30 बजे तक रहने वाले हैं। अब मोदी जी यहाँ की जनता को किस तरह का संदेश देते हैं, क्या आह्वान करते हैं, और BJP क्या तीसरी बार हैट्रिक कर पाती है, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं क्या वो हैट्रिक कर पाते हैं? 21 लाख मतदाता इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के आते हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र टोंक लोकसभा क्षेत्र के आते हैं और टोंक जिले के आते हैं, 4 माधोपुर जिले के आते हैं। कुल मिला के मुकाबला काफ़ी रोचक है, आज मोदी जी इस चुनावी मुकाबले को कितना गर्मा पाते हैं ये देखना होगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।